आप सभी गाड़ी, स्कूटर अथवा किसी अन्य वाहन से यात्रा करते हैं, आपने यह अनुभव किया होगा कि भिन्न भिन्न समय अंतराल में वाहनों की गति अलग अलग हो सकती है। बच्चों, हम एक ऐसे पिंड पर विचार करते हैं जो एक सरल रेखा में गतिमान है और समान समय अंतराल पर असमान दूरी तय करता है। ऐसे पिंड की गति को असमान गति अथवा त्वरित गति कहते हैं। इस प्रकार की गति में पिंड का वेग समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, अर्थात भिन्न भिन्न समय पर इसके वेग का मान भिन्न भिन्न होता है। आज हम लोग एक समान त्वरण से गतिमान पिंड के लिए वीटी ग्राफ खींचना सीखेंगे। आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, ध्यान रहे यहाँ लिए गए आंकड़े गणना की सरलता के लिए हैं। इस ग्राफ से त्वरण की गणना करेंगे और साथ ही दिए गए समय अंतराल में पिंड द्वारा चली गई दूरी का भी अवकलन करेंगे। इस ग्राफ को खींचने के लिए हमें एक ग्राफ पेपर की आवश्यकता होगी, साथ ही एक स्केल और एक नुकीली पेंसिल भी चाहिए। आप जानते हैं कि किसी पिंड का त्वरण प्रति इकाई समय में इसके वेग में परिवर्तन की माप है, अर्थात त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन बटा लिया गया समय। यदि किसी पिंड का आरंभिक वेग u है और t समय अंतराल के बाद इसका वेग v हो जाता है, तो इसका त्वरण a बराबर v माइनस u बटा t होगा। त्वरण को हम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में व्यक्त करते हैं। यदि पिंड का त्वरण समय के सभी क्षणों में समान रहता है तो ऐसी गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। अतः एक समान त्वरित गति का वेग समय ग्राफ आलेखित किया जाए तो हमें एक सरल रेखा प्राप्त होगा। आइए ग्राफ खींचना प्रारंभ करते हैं। यह एक ग्राफ शीट है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। यहाँ पर कुछ तो सेंटीमीटर के बड़े बड़े वर्ग बने हुए हैं और छोटे छोटे मिलीमीटर के वर्ग बने हुए हैं। तो ग्राफ खींचने के लिए आप जानते हैं कि हमें पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष आलेखित करना होगा। तो बाएं कोने में कुछ स्थान छोड़ते हुए पहले हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लेते हैं। मूल बिंदु को बाईं तरफ लेते हैं। इस बात का ध्यान रखते हैं कि बाईं तरफ कुछ स्थान छोड़ दिए जाए जिससे कि राशियों को इंगित करना आसान हो जाए। हमने एक्स अक्ष खींच लिया है, इसी प्रकार वाई अक्ष खींच रहे हैं और यहाँ पर मूल बिंदु ओ को निरूपित कर देते हैं। अब दी गई सारणी का प्रेक्षण करते हैं। पहले कॉलम में समय दिया गया है सेकंड में, और समय का मान 0 से 50 सेकंड के बीच परिवर्तित हो रहा है, अर्थात समय का परिसर 0 से 50 सेकंड है। दूसरे कॉलम में देखिए, कार का वेग दिया हुआ है और कार के वेग का परिसर 0 से 100 मीटर प्रति सेकंड दिया हुआ है। तो न्यूनतम मान 0 मीटर पर सेकंड है तथा अधिकतम मान 100 मीटर प्रति सेकंड है। अब हम ग्राफ खींचने के लिए आंकड़े के परिसर के अनुसार स्केल का चयन करते हैं। एक्स अक्ष पर हमें मूल बिंदु के बाद 23 वर्ग उपलब्ध हैं, तो प्रति 2 सेंटीमीटर पर हम 5 सेकंड का मान अंकित कर सकते हैं। देखिए, 2 सेंटीमीटर के बाद 5 सेकंड, फिर अगले 2 सेंटीमीटर के बाद 10 सेकंड, फिर 15,
बीस, पच्चीस, तीस, पैंतीस, चालीस, पैंतालीस और पचास सेकंड अंकित कर लेते हैं। यहाँ पर ली गई राशि समय सेकंड में निरूपित कर देते हैं एक तीर द्वारा। अब वाई अक्ष पर स्केल का चयन करते हैं। वेग का परिसर 0 से 100 मीटर प्रति सेकंड है और यहाँ पर हमें 17 बड़े वर्ग उपलब्ध हैं, इसलिए हम आंकड़े का चयन इस प्रकार करते हैं कि प्रति एक सेंटीमीटर 10 मीटर प्रति सेकंड को व्यक्त करता है। पुनः देखें, वाई अक्ष की तरफ हम वेग को मीटर प्रति सेकंड में निरूपित कर रहे हैं। यहाँ पर हमने इसे तीर द्वारा दिखा दिया है और प्रति एक सेंटीमीटर के बाद दी गई सारणी में वेग का मान जो दिया हुआ है हम यहाँ पर लिख देते हैं। 10 मीटर प्रति सेकंड, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100 मीटर प्रति सेकंड। हमने उचित स्केल का चयन कर लिया है। अब दी गई सारणी के अनुसार हम लोग बिंदु अंकित करेंगे। इस पर देखिए ग्राफ कैसे आलेखित करें। प्रेक्षण सारणी में आप देख सकते हैं कि 0 समय पर कार का वेग 0 मीटर प्रति सेकंड है, तो यहाँ पर 0 पर एक बिंदु लेते हैं और इसे छोटे से वृत्त से घेर देते हैं जिससे इसे पहचानना आसान हो जाए। दूसरे प्रेक्षण में 5 सेकंड में कार का वेग 10 मीटर प्रति सेकंड है। अपने पेंसिल के नोक को 5 सेकंड पर लाते हैं और इसे 5 सेकंड की ओर बढ़ाते हुए और वाई अक्ष पर देखते हुए 10 मीटर प्रति सेकंड पर एक बिंदु अंकित कर देते हैं। इसी प्रकार तीसरे प्रेक्षण के लिए 10 सेकंड पर पेंसिल की नोक रखते हुए ऊपर की ओर बढ़ते हैं और 10 सेकंड के तदनुरूप वेग का मान 20 मीटर प्रति सेकंड है, इसे भी हम बिंदु से निरूपित करते हैं। इसी प्रकार अगला प्रेक्षण भी हम आलेखित करते हैं 15 सेकंड पर। 15 सेकंड पर वेग का मान 30 सेकंड है। इसी प्रकार सभी बिंदुओं को ग्राफ पर आलेखित कर लेते हैं। यहाँ पर समय स्वतंत्र चर है और कार का वेग v अवलंबित चर है। परिपाटी के अनुसार स्वतंत्र चर को x अक्ष पर लेते हैं तथा अवलंबित चर को y अक्ष पर लेते हैं। इसीलिए समय को x अक्ष पर लेते हैं तथा वेग को y अक्ष पर लेते हैं। इसी प्रकार ग्राफ पर सभी बिंदुओं को अंकित करते जाते हैं और इस प्रकार हमें जो बिंदुओं का समुच्चय प्राप्त होता है उन्हें स्केल की सहायता से मिलाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हमें एक सरल रेखा प्राप्त हो रही है जो मूल बिंदु से होकर गुजर रही है। इसका अर्थ ये है कि यदि पिंड एक समान त्वरण से गतिमान है तो इसका वेग समय के अनुक्रमानुपाती है। हमने वेग समय ग्राफ खींच लिया। इस ग्राफ पर हम यह निरूपित कर देते हैं, यह वेग समय ग्राफ है। ग्राफ पर
ग्राफ के बारे में लिखना आवश्यक है, जिससे हमें आंकड़े के बारे में समझने में सहायता मिले। ग्राफ आलेखित करने के लिए हमने जो स्केल का चयन किया है उसे भी यहाँ पर लिख देते हैं। एक्स अक्ष पर हमने 2 सेंटीमीटर बराबर 5 सेकंड लिया है और वाई अक्ष पर हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड लिया है। हमने ग्राफ का स्केल भी ग्राफ पर निरूपित कर दिया है। इससे ग्राफ को देखकर आंकड़ों के बारे में अनुमान लगाना बहुत ही आसान हो जाता है। अब हम इस ग्राफ की सहायता से गतिमान पिंड का त्वरण ज्ञात करेंगे। गतिमान पिंड का त्वरण ज्ञात करने के लिए हम किसी भी दो बिंदु पर विचार करें, मान लिया ए और बी। ग्राफ पर कोई भी दो बिंदु ए और बी ले लेते हैं। इन बिंदुओं से क्रमशः एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष पर अभिलंब खींचते हैं। एक्स अक्ष पर ए से हमने लंब खींच लिया, अब बी से एक्स अक्ष पर लंब खींचते हैं। इसी प्रकार बिंदु ए से वाई अक्ष पर लंब खींचते हैं और बिंदु बी से भी वाई अक्ष पर लंब खींचते हैं। ए से एक्स अक्ष पर खींचा गया लंब हमें समय टी वन का मान दे रहा है और बी से एक्स अक्ष पर खींचा गया लंब यहाँ पर हमें टी टू का मान दे रहा है। टी टू का मान 25 सेकंड है, टी वन का मान 20 सेकंड है। इसे हम लिख लेते हैं, टी वन बराबर 20 सेकंड, टी टू बराबर 25 सेकंड। अब टी वन के संगत वी वन का क्या मान है इसे पढ़ते हैं। टी वन के संगत वी वन का मान 40 मीटर प्रति सेकंड है और टी टू के संगत वी टू का मान 50 मीटर प्रति सेकंड है। अब इन आंकड़ों से हम त्वरण की गणना करते हैं। त्वरण बराबर ए बराबर वी टू माइनस वी वन अर्थात वेग में परिवर्तन तथा लिया गया समय टी टू माइनस टी वन। यह 10 मीटर प्रति सेकंड बटा 5 सेकंड हुआ, अर्थात त्वरण का मान 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। हमने दिए गए आंकड़े से गतिमान पिंड का त्वरण ज्ञात कर लिया और यह 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। अब हम यह जांचना चाहेंगे कि अगर ये दो बिंदु ग्राफ पर किसी अन्य स्थान पर ले तो क्या त्वरण का मान यही आएगा। इसके लिए ग्राफ पर अलग अलग बिंदुओं का समुच्चय लेते हैं और उन बिंदुओं के तदनुरूप T1, T2 और V1, V2 का मान ज्ञात करके त्वरण का मान ज्ञात करते हैं। अपने प्रेक्षणों को सारणी में लिख लेते हैं। यहाँ हमने पहले से ही एक ग्राफ आलेखित करके रखा है। यहाँ पर हमने समय अंतराल अलग अलग लिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर समय अंतराल T1, T2 कम है, यहाँ पर ज़्यादा है और हर एक समय अंतराल के लिए उसके अनुरूप V1, V2 का मान भी नोट किया है और प्रत्येक प्रेक्षण के लिए त्वरण की गणना की है। आप देख सकते हैं कि
पहले प्रेक्षण में T1 का मान 5 सेकेंड और 7.5 सेकेंड है। इसके अनुरूप V1 तथा V2 का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड तथा 15 मीटर प्रति सेकेंड है। इससे हमने त्वरण की गणना की। त्वरण का मान 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। फिर इसी प्रकार दूसरे समय अंतराल पर T1, T2 के तदनुरूप V1 तथा V2 को नोट कर लेते हैं। यह क्रमशः 15 सेकेंड और 20 सेकेंड है। इसके तदनुरूप 30 मीटर प्रति सेकेंड तथा 40 मीटर प्रति सेकेंड वेग के मान को नोट कर लेते हैं। पुनः त्वरण की गणना करने पर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर प्राप्त होता है। आप देख सकते हैं कि समय के विभिन्न अंतरालों के लिए भी त्वरण का मान नियत आता है, अर्थात 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इस ग्राफ को आलेखित करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुँचते हैं कि जो गतिमान पिंड है वह एक समान त्वरण से चल रहा है, अर्थात गतिमान पिंड का त्वरण नियत है। अब हम आलेखित ग्राफ की सहायता से किसी दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा चली गई दूरी की गणना करते हैं। इसके लिए हमने इसी सारणी की मदद से, जो प्रेक्षण सारणी हमें दी गई है, उसी प्रेक्षण सारणी के आंकड़े को उपयोग करते हुए हमने एक ग्राफ खींचा है, एक अलग ग्राफ खींचा है। और इसमें T1 और T2 के समान मान लेकर हमने X अक्ष पर तथा Y अक्ष पर अभिलंब खींचे हैं। इस ग्राफ में हमने समान समय अंतराल पे एक्स अक्ष पर तथा वाई अक्ष पर लंब खींचे हैं। आप देख सकते हैं। समझने की स्पष्टता के लिए इन क्षेत्रों को रंगीन पेंसिल से दर्शाया गया है। यहाँ पर इस बात पर ध्यान दीजिए, T1, T2 यहाँ पे 5 सेकेंड है। दूसरे प्रेक्षण में भी T2-T1 बराबर 5 सेकेंड है, 17.5-12.5 सेकेंड। तीसरे प्रेक्षण में भी यह 5 सेकेंड है, 35 सेकेंड माइनस 30 सेकेंड। और चौथे प्रेक्षण में भी यह 5 सेकेंड है, अर्थात 55 सेकेंड माइनस 50 सेकेंड। ग्राफ खींचने का एक लाभ यह है कि जो आंकड़ा हमें सारणी में नहीं दिया गया है, उन्हें भी हम ग्राफ पर ग्राफ की प्रवृत्ति देखते हुए दर्शा सकते हैं। जैसे कि समय के 55 सेकंड पर कार का वेग नहीं दिया गया है, किंतु ग्राफ पर हम इसे दर्शा सकते हैं कि 55 सेकेंड पर V2 का मान 110 मीटर प्रति सेकेंड है। अब हम दूरी की गणना करने के लिए ये जो रंगीन क्षेत्रफल हैं, उन क्षेत्रफल का अवकलन करेंगे। आप देख सकते हैं कि इस क्षेत्रफल को हम दो भागों में विचार कर सकते हैं। इस पीले वाले क्षेत्रफल पर ध्यान दीजिए, यह एक आयत ABCD तथा एक त्रिभुज ADE के बराबर है। यदि हम इस आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें, तो दोनों का योग 30 से 35 सेकेंड के समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी का मान देगा।
तो आप जानते हैं कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं AB गुना BC, जो कि V1, AB बराबर V1 के बराबर है और BC समय अंतराल T2 माइनस T1 के बराबर है। इसे हम नोट कर लेते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ADE के क्षेत्रफल को हम लिख सकते हैं 1/2 गुना त्रिभुज का आधार AD गुना त्रिभुज की ऊंचाई ED। AD आधार है और ED ऊंचाई है। हम इसे अवकलन तालिका में नोट कर लेते हैं। यहाँ हमने इसे नोट किया हुआ है। हम पुनः इस पर चर्चा करते हैं। पहले प्रेक्षण के लिए यहाँ देखिए, T1 का मान 5 सेकेंड, T2 का मान 10 सेकेंड है। T1 के संगत V1 का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड है। T2 के संगत V2 का मान 20 मीटर प्रति सेकेंड है। तो T2 माइनस T1 का मान 5 सेकेंड, V2 माइनस V1 का मान 10 मीटर प्रति सेकेंड प्राप्त हुआ। आयत का क्षेत्रफल बराबर V1 गुना T2 माइनस T1। V1 का मान देखिए कितना है, 10, 10 गुना 5 अर्थात 50 मीटर। इसी प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग ज्ञात करते हैं 1/2 गुना V2 माइनस V1 गुना T2 माइनस T1। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हुआ 25 मीटर। पहले प्रेक्षण में दूरी की गणना करने पर हमें 75 मीटर प्राप्त हुआ। अब दूसरे प्रेक्षण में देखिए, T1 तथा T2 के मान क्रमशः 22.5 सेकेंड तथा 17.5 सेकेंड है। इनके तदनुरूप V1 तथा V2 के मान क्रमशः 35 मीटर प्रति सेकेंड तथा 45 मीटर प्रति सेकेंड है। पुनः हम आयत का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर इन्हें लिख लेते हैं और दूरी की गणना कर लेते हैं। दूसरे प्रेक्षण में 200 मीटर प्राप्त हुआ। इसी प्रकार तीसरे प्रेक्षण में भी आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तथा इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं, उनका योग भी ज्ञात कर लेते हैं। इससे हमें 35 सेकेंड से 30 सेकेंड के बीच अर्थात T2 माइनस T1 बराबर 35 माइनस 30 सेकेंड है, तो चली गई दूरी का मान 325 मीटर प्राप्त होता है। और अंत में चौथे प्रेक्षण में T1 का मान 50 सेकेंड, T2 का मान 55 सेकेंड है अर्थात समय अंतराल 5 सेकेंड है और V2 का मान 110 मीटर प्रति सेकेंड तथा V1 का मान 100 मीटर प्रति सेकेंड है। इन मानों से हम आयत और त्रिभुज के क्षेत्रफल की गणना करते हैं। तो इस प्रेक्षण में, इस अवकलन में हमें 525 मीटर प्राप्त होता है। तो इस ग्राफ से आप यह देखते हैं कि समान समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है। इससे ये पता चलता है कि कार एक त्वरित गति से चल रही है। चूंकि त्वरण का मान नियत आ रहा है, अभी हमने अवकलित किया था 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ कि कार का त्वरण नियत है अर्थात कार एक समान त्वरण से गतिमान है। आप चाहे तो एक ही ग्राफ पर दोनों गणना कर सकते हैं। यहाँ पर
सरलता के लिए हमने दो ग्राफ लिया है। यहाँ पर समझने में स्पष्टता के लिए दिए गए आंकड़े से ही दो ग्राफ आलेखित किए गए हैं। पहले ग्राफ में हमने समय अंतराल अलग अलग लिया है और आप देखते हैं कि हर बार त्वरण का मान नियत आता है। दूसरे ग्राफ में हमने समय अंतराल समान लिए हैं और आप देखते हैं कि चली गई दूरी अलग अलग है। आज हम लोगों ने एक समान त्वरण से गतिमान किसी पिंड के लिए वेग समय ग्राफ आलेखित करना सीखा और इस ग्राफ से हमने त्वरण ज्ञात करना भी सीखा। इसी ग्राफ से किसी समय अंतराल में चली गई दूरी की गणना भी हमने की। आंकड़े हमें दिए गए थे, उन्हीं आंकड़ों को लेते हुए हमने समय तथा वेग ग्राफ खींचा। समय स्वतंत्र राशि है, इसे हमने एक्स अक्ष पर लिया तथा वेग अवलंबित राशि है, इसे हमने वाई अक्ष पर लिया या परिपाटी के अनुसार लिया गया है। हमने समय के प्रत्येक मान के लिए ग्राफ पर बिंदु आलेखित किए, उन्हें एक रेखा से मिला दिया और हमने त्वरण का मान ज्ञात किया a बराबर v2-v1 / t2-t1 जो कि इस प्रयोग में हमें 2 m/s² आया। और हमने यह गणना की कि भिन्न भिन्न समय अंतरालों पे कार का त्वरण 2 m/s² है। इससे यह निष्कर्ष निकला कि कार एक समान त्वरण से गतिमान है। दिए गए आंकड़ों से ही हमने स्पष्टता के लिए एक और ग्राफ खींचा है जिसमें कि समय अंतराल T1 और T2 को एक समान लिया गया है। हमने 4 प्रेक्षण लिए और चारों प्रेक्षण के अनुरूप हमने गणना की है T2-T1 तथा V2-V1। ये जो रंगीन क्षेत्रफल हैं इन्हें दो भागों में बांट दिया, एक आयत तथा एक त्रिभुज। आयत का क्षेत्रफल तथा त्रिभुज के क्षेत्रफल के योग ज्ञात करने से ही हमें इस समय अंतराल में, दिए गए समय अंतराल में कार द्वारा चली गई दूरी का मान प्राप्त हो जाता है। हम यह देखते हैं कि समान समय अंतराल में कार द्वारा तय की गई दूरी अलग अलग है। अतः हम यह पाते हैं कि कार असमान गति से चल रही है, अर्थात समान समय अंतराल में अलग अलग दूरी तय कर रही है और इसका त्वरण नियत है।